नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। अमेरिकी सदारती इंतखाब दिलचस्प होता जा रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला देखने के काबिल होगा। कमला हैरिस ने कहा, मेरी लड़ाई अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए है। विनीश फोगाट का गोल्डन टेम्पल का दौरा, ताकत और हिम्मत के लिए की दुआ। एक दिन पहले विनीश फोगाट, जो ओलंपिक खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें जालंधर की लोली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 2.5 करोड़ रुपए के नकद इनाम से नवाजा था। कर्नाटक के डीन सीएम शिव कुमार का कहना है कि गवर्नर ने हमें हफ्ते को मुलाकात के लिए वक्त दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पतीना होल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का मुआयना करने गए हैं और जल्द ही इस पर बात करेंगे। हेमा कमेटी की रिपोर्ट, 10 मलयालम फिल्मी शख्सियत के खिलाफ FIR दर्ज। जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गयी उनमें अदाकार जय सूर्या को उस वक्त झटका लगा जब उनके खिलाफ दूसरी अदाकारा की जानिब से दूसरी शिकायत दर्ज कराई गयी। हुकूमत फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए पॉलिसी की सतह पर मुख्तलिफ इकदामात कर रही। PM मोदी का बयान, वज़ीर-ए-आज़म ने रेगुलेटर से साइबर फ्रॉड को रोकने और लोगों में डिजिटल खवानदगी को मजीद बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात करने को लेकर बयान दिया। लोग मेरे साथ हैं, मैं इस्तीफा क्यों दूं? मणिपुर के CM बेरिन सिंह ने किया सवाल। उनका दावा है कि वो हमेशा यकीन रखते थे कि हल जवाबी वार से नहीं बल्कि बातचीत और अमन से निकलेगा। IMA के मुताले से पता चला कि खवातीन डॉक्टरों की अक्सरियत रात की शिफ्टों के दौरान गैर महफूज महसूस करती हैं। 20-30 साल की उम्र के डॉक्टरों में तहफ़ का एहसास कम तरीन था। कुछ ने अपने दिफा के लिए हथियार ले जाने की जरूरत का भी इशारा किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में मदऊ किया। ये इजलास अक्टूबर में मुनक़द होने वाला है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने यह ऐलान किया। आसाम में हुकूमत ने मुसलमान अरकान असम्बली और असम्बली के मुलाजमीन को जुमा की नमाज की अदायगी के लिए 2 घंटे का वक्फा ना देने का फैसला किया। अब जुमा को आसाम असम्बली में आम दिनों की तरह कामकाज होगा। रियासत के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट में इस बात की इतला दी। आंध्र प्रदेश के तालिबे इल्मों का लड़कियों के वॉशरूम में खुफिया कैमरे के खिलाफ एहतजाज, वजीर लोकेश ने इंक्वायरी का दिया हुक्म। गुडला वेलरू इंजीनियरिंग कॉलेज का वाकया आज सामने आया। साथ ही जुमेरात को देर गए इंसाफ के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की वीडियोस वायरल हो रही। KWDT2 ने समाज के लिए 40 मसले के मसाइल को हतमी शक्ल दे दी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल समाप्त करेगा, जहां मुतालिक रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पानी की तकसीम के तनाजिया से मुतालिक अपने दलायल और सबूत पेश करेंगे। सेल्फी का शौक एक खातून की जान पर बनाया, तेलंगाना जिले नलगुंडा में पेश आया वाकया। खातून नहर के पास पुल पर सेल्फी ले रही थी कि अचानक पांव फिसल जाने के नतीजे में नहर में गिर पड़ी। वहां मौजूद अफराद ने बरवक्त चौकसी का मुजाहरा किया और रस्सियों की मदद से उसकी जान बचाई। वेल ऑफ द स्काई के नाम से मौसूम कार्गो एयरबस बेलुगा का हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमा की दोपहर खैर मकदम किया गया। बेलुगा एयरबस A300-608ST मस्कत एयरपोर्ट से रवाना हुआ और हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर उतरा। मलकपेट रिजर्वायर का काम ठप, हुकाम फंड्स मंजूरियों का कर रहे हैं इंतजार। हुकाम के मुताबिक ठेकेदार ने काम रोक दिया था क्योंकि तकरीबन 11 करोड़ रुपए के बिल हुकूमत की तरफ से क्लियर नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा, हुकाम के खतूत के बावजूद हुकूमत ने रकम जारी नहीं की। साइबराबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 570 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद शुदा फोन को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में उनके मालिकान के हवाले कर दिया गया। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए और देखते रहिए TTV।